वेलकम फ्रेंड्स, टेक्निकल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। अभी हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ रहे हैं, इसमें ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट को टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे इरेजर क्या होता है, ड्राइंग क्लिप्स क्या होता है, ड्राइंग पिंस क्या होता है, एडहेसिव क्लिप क्या होता है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पीस ऑफ सॉफ्ट रबर और प्लास्टिक यूज टू रब आउट समथिंग रेटेड, ठीक है। मतलब है एक पीस जो हमारा सॉफ्ट रबड़ का या प्लास्टिक का, जिससे हम कुछ लिखा हुआ को रबड़ मिटाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इरेजर या रबड़ बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, इरेजर या रबड़, उसको उस नाम से हम जानते हैं। कह रहा है कि सॉफ्ट इंडिया रबड़ इज द मोस्ट सुटेबल काइंड ऑफ इरेजर फॉर पेंसिल रबर। जो एक रबड़ का टाइप है सॉफ्ट इंडिया रबड़, वो बहुत ही सुटेबल होता है, ठीक है। किस चीज़ के लिए, पेंसिल ड्राइंग के इरेजर के लिए, इरेजिंग करने के लिए, इरेजर फॉर पेंसिल ड्राइंग। इट शुड, उसके बाद है कि इट शुड बी सच एज नॉट स्पॉइल द सरफेस ऑफ द पेपर। जैसा कि ये करा है कि इससे हमारा जो पेपर का सरफेस होना चाहिए वो स्पॉइल नहीं, यानी बर्बाद नहीं होना चाहिए। फिर लास्ट पॉइंट है कि फ्रीक्वेंट यूज ऑफ रबर शुड बी अवॉइडेड बाय द केयरफुल प्लानिंग। अगर हम जो हमारा रबड़ का फ्रिक्वेंट यानी बार बार जो यूज होता है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, किसके द्वारा, अगर हम अपना जो प्लानिंग है वो केयरफुली करें कि हाँ किस तरह से ड्रॉ करना है, क्या करना है, तो इस तरह से हम रबड़ के फ्रिक्वेंट यूज से बच सकते हैं, ठीक है। और अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ड्रॉइंग पेन क्लिप्स और एडहेसिव टेप, इसके बारे में जानते हैं। ये है, दिज आर यूज टू फिक्स द ड्रॉइंग पेपर टू द ड्रॉइंग बोर्ड। ये जितने भी तीनों चीज़ें ना, ड्रॉइंग क्लिप्स, ड्रॉइंग एडहेसिव टेप्स और हमारा पिंस क्लिप्स, ठीक है। तो इसका यूज हम किसके लिए करते हैं, जो हमारा ड्रॉइंग पेपर होता है उसको ड्रॉइंग बोर्ड पे फिक्स करने के लिए। नेक्स्ट है, द नीडल पार्ट ऑफ द पिंस इज जनरली मेड ऑफ स्टील। जो हमारा नीडल पार्ट होता है किस चीज़ का, पिंस का, वो जनरली किस चीज़ के बना होता है, स्टील। वाइल द हेड में भी ऑफ प्लेटेड माइल्ड स्टील और ब्रास। और जबकि हमारा जो ये पिंस का हेड होता है, इस तरह से हमारा ड्राइंग पिंस होता है, जिसका जो ये पार्ट नीडल पार्ट होता है वो स्टील का बना होता है और ऊपर वाला पार्ट माइल्ड स्टील या ब्रास का बना होता है। नेक्स्ट है, पिंस ऑफ अबाउट 15 to 20 mm डायमीटर एंड अबाउट 1 mm थिक फ्लैट हेड मेड ऑफ ब्रास आर क्यूट कन्वीनियंट एज दे डू नॉट रस्ट। जो हमारा पिन होता है उसका जो डायमीटर, पिंस के जो नीडल का डायमीटर हुआ 15 to 20 meters, और उसका जो फ्लैट हेड होता है उसकी थिकनेस 1 mm, वो कन्वीनियंट यानी सुविधाजनक यूज में हम लोग लाते हैं, क्योंकि एज दे डू नॉट रस्ट, क्योंकि यह रस्ट है, इसमें जंग जल्दी नहीं लगता है। नेक्स्ट है, पिन शुड बी सो इंसर्टेड डैट द हेड्स सिट ऑन द सरफेस ऑफ पेपर। जो हमारा ड्राइंग पिंस होते हैं उसका जो हेड होता है ना, वो कहाँ रहता है, ड्राइंग पेपर के सरफेस पे, क्योंकि इसका जो नीडल पार्ट होता है वो उसके अंदर चला जाता है। लास्ट पॉइंट है, क्लिप और एडहेसिव टेप्स आर ऑफन यूज इंस्टेड ऑफ पिंस। जो हमारा की क्या है, क्लिप्स और एडहेसिव टेप जो है उसको हम ऑफन प्रायर यूज करते हैं, किसके जगह पे, ड्राइंग पिंस के जगह पे। तो आपको मैं भी ये इस वीडियो में जो भी कन्फ्यूजन्स रह जाती हैं उसको इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।